ये हमारी रामकथा 28 तारीख से प्रारंभ की गई थी और ये 5 अप्रैल तक चली थी और 5 अप्रैल को हमने इसको समापन कर दिया था। और 5 तारीख की हमारी जो कलश यात्रा थी वो बहुत भव्य रही और 5 तारीख को हमारा विशाल शाम का हवन था, वो भी बहुत भव्य हवन रहा। और 6 तारीख में आज हमारा मूर्ति भ्रमण था, पूरा नगर निगम में हमने इसको घुमाया और आज दोपहर में हमने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और कल का जो प्रोग्राम है जो हमारा रहेगा वो एक विशाल भंडारा है और शाम को एक प्रकाश दास जी के साथ एक भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें सभी ग्रामवासी और नागरीवासी सभी को आमंत्रित करता हूँ मैं। ये दुर्जनपुरा में अपने गोगा जी मंदिर के परिसर में रहेगा। ये प्रोग्राम तो अगर भजन संध्या का है वो हम 8 बजे स्टार्ट करवा देंगे और जो भंडारा रहेगा वो 12-1 बजे के बीच में स्टार्ट होकर दिया जाएगा। मंदिर की विशेषता है कि अपने ये शेखावाटी का तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो ये एक अद्भुत मूर्ति लगा है और अपने नवलगढ़ में राम दरबार का भी मंदिर नहीं है तो हमने यहाँ पे उनको प्रतिष्ठा करा दिया है तो सब लोग देख सकते हैं। पहले तो इस गोगा जी परिसर दरबार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और श्रोताओं को हमारी शुभकामनाएं हैं और विशेष निमंत्रण है इसमें। अब मैं पहले से गोगा जी महाराज का मंदिर विराजमान था और उसके बाद शिवालय की नींव रखी गई, उसके जस्ट बाद में भाई मनोज कुमार की इच्छा हुई कि मैं बहुत ही सुंदर और तिरुपति धाम यह बनाना चाहता हूँ और कोई भाई सहयोग करे तो ठीक है, नहीं मैं अपने आप ही सारा व्यवस्था में बनाऊँगा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे समय में आज से 3-4 वर्ष पूर्व हनुमान जयंती पर ही इस आज जो भव्य लोकार्पण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है तिरुपति धाम की, राम दरबार की, सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज सहित, तो इनकी इच्छा थी ये कार्यक्रम उनकी उस समय रखा गया हनुमान जयंती के अवसर पर ही इसकी नींव रखी गई थी। बीच में कोरोना काल आ गया और उस लॉकडाउन में भी सरकार की सब बाध्यताओं के बावजूद ही सीमित साधनों से पंडित जी महाराज और 5 ही व्यक्तियों द्वारा इसका शुभारंभ नीम का रखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे चलकर ये आज इस क्षेत्र की पूर्णिमा बहुत ही भव्य दरबार इनकी तरफ से याद किया गया है और सब बस्ती माता की भावनाओं की और उनकी तरफ से आदर सत्कार हुआ है। और कल का मैं विशेष रूप से ये निवेदन करूँगा कि कल का बाबा के दरबार में यहाँ पर अब तिरुपति धाम जो शेखावटी में शायद राम दरबार वगैरह है, मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी और सुंदर है, लोग दर्शन के लिए आए हैं और कल दोपहर 2 बजे से भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा, सभी आमंत्रित हैं, जो भी श्रोता है अपने इष्ट मित्रों सहित लाए भंडारे में और जब तक आप रात्रि को आओगे तब तक भंडारा चालू रहेगा। और रात्रि को हमारे पूज्य संत गो सेवक श्री प्रकाश दास जी महाराज यहाँ पधार रहे हैं तो उनकी भजनों की जो प्रस्तुति गंगा यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। और सबसे पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपील करता हूँ कि भाई मनोज को हार्दिक शुभकामनाएं, इस बस्ती माता का उन्होंने नाम रोशन किया है, अपने कुल और परिवार का तो किया ही किया है दुर्जनपुरा के आसपास के क्षेत्र में और इस गोगा जी परिसर को जिसमें जैसे कोई मूर्ति बना देते हैं लेकिन उसकी श्रृंगार की कमी रह जाती है तो इन्होंने श्रृंगार से इसको नवाजा है तो बड़ा ही सुंदर और भव्य ये दोनों तरफ गेट बनवाए हैं, बड़ा मंदिर बनवाया है, इधर कमरे बनवाए हैं और भी अन्य सुविधाएं इनके द्वारा बड़ी ही सुंदर की गई है तो हमारी गांव की भी आसपास की बस्ती की भी शोभा बढ़ाई है इन्होंने। और इनके इनको परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं गोगा जी महाराज के परिसर और दरबार की सर्वे बस्ती माता की तरफ से और सबका आभार। पुनः आपको श्रोताओं को निवेदन करता हूँ कि वो सब अपने इष्ट मित्रों सहित यहाँ पधारें और प्रसाद ग्रहण करें, रात्रि जागरण का आनंद लें और भक्ति भाव में विलीन हो।